बता दो एक दो यू कांट फोर्स मी मत लेना फैकल्टी है कुछ एमबीए लायक हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल माय नेम इज भूपेंद्र आई एम अ स्टूडेंट ऑफ गुरुग्राम यूनिवर्सिटी आई एम स्टडीइंग एमए पॉलिटिकल साइंस तो ओवरऑल ये वीडियो इस बारे में है भाई जो मेरा 2 साल एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे यूनिवर्सिटी में ये पूरी वीडियो इसी पे व्लॉग मेरे काफ़ी पहले शूट हो चुका था बट मैं सोच रहा था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ सही रहेगा नहीं रहेगा या यूनिवर्सिटी का थोड़ा जो भी फॉल्स है वो दिखाना शो करना तो बस उसी बारे में क्या फ़ायदा हुआ मुझे क्या मिला बताओ उससे मेरा क्या फ़ायदा मुझे क्या मिल रहा है आपका ये फायदा होगा कि भाई जो स्टूडेंट अभी हैं या आने के प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर भाई आप अपना 2-5 साल या 3 साल एक यूनिवर्सिटी में दोगे और आपको मेन कॉलेज यह कहता है कि आप अपने आप को कितना ग्रूम कर सकते हो आप अपने आप का माइंड कितना एक्सप्लोर कर सकते हो अपने आप तो यूनिवर्सिटी आप किसी है या किसी कैंपस में टाइम ठीक है ठीक है समझिए एडमिट कार्ड लेना है और अभी हमारे लास्ट एग्ज़ाम हुए थे मई जून में इनका रिजल्ट इतना लेट आता है ना इतना लेट अभी हमारा रिजल्ट है हमारे मई जून में एग्ज़ाम हुए थे और रिजल्ट हमारे अब आए हैं 4 दिन पहले मतलब 1 हफ्ता हुआ होगा हमारे रिजल्ट आए हुए कितने मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 8 महीनों में इनका रिजल्ट आता है 8 महीनों में रिजल्ट देते हैं ठीक है इनका एग्ज़ाम पैटर्न बहुत ही गंदा है इनको ना तो इनको डेट शीट बनानी आती है मतलब जो कॉपी पेस्ट चलता है ना कहने को गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है बट जो एमडीयू का पैटर्न है ना वैसा ये पेस्ट कर रहे हैं इनको और कुछ है नहीं ठीक है अब डेट शीट दी है रिजल्ट देते हैं भाई इतना लेट तो एक तो रिजल्ट दिया और कुछ कैंपस कुछ है नहीं अगर तुम्हें अंदर कोई और टैलेंट है भाई कुछ और एक्टिविटीज़ करनी है कोई सोसाइटी है नहीं ठीक है कोई क्लब्स नहीं है एक बार इन्होंने फॉर्म्स भरवाए थे क्लब्स व्लब्स के कि क्लब्स में एंट्री होगा ये होगा वो होगा कुछ नहीं है ठीक है और पढ़ाई से रिलेटेड बता दो भाई क्लासेस व्लासेस का मतलब इनके कभी इनका सिलेबस कभी पूरा ही नहीं होता भाई कभी पूरा नहीं होता हमारा एक सब्जेक्ट था ठीक है एक पेपर है एक पेपर की क्लासेज है ना हमारी स्टार्ट भी नहीं हुई मतलब लिटरली लगा लो सिर्फ हमारी है ना छः दिन हमारी वो स्टार्ट हुई है क्लासेस 6 दिन लगी है भाई पूरा सिलेबस 6 महीने का सिलेबस हमारा 6 महीने का सिलेबस है ना सिर्फ 6 दिन में इन्होंने कंप्लीट करा दिया तो भाई क्या ही फ़ायदा फिर इतने मतलब एक तो इनकी फ़ीस दो मतलब मास्टर्स कर रहा हूँ मैं कितने 25,000 पर सेमेस्टर पर ईयर 25,000 पर ईयर और उसमें ये हाल है इनका तो अब देखते हैं एडमिट कार्ड का मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में अगर कोई ये बोल दे ना यार बहुत सही चल रहा है तो मैं मान जाऊँ ना कैंटीन में खाना भी अच्छा नहीं ठीक ठाक भाई क्या ही बताएं लेन के पास सिर्फ एक ही है बैडमिंटन कोर्ट ठीक है ये इन्होंने बना रखा है यहाँ पे बच्चे खेल लेते थोड़ा बहुत और कुछ है नहीं ठीक है तो भाई देखो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ अगर तुम्हें एडमिशन लेना है ना इससे अच्छा किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ले लो सेम स्ट्रक्चर मिलेगा फीस का भाई थोड़ा 10-15 हज़ार ऊपर नीचे मिल सकता है बट तुम्हारा एक्सपीरियंस है ना वहाँ पे अच्छा होगा तुम ग्रूम कर पाओगे अपने आप को वहाँ पे यहाँ कुछ नहीं है भाई मत ही लेना एडमिशन भाई किस में है ना आज तुम्हें एक दो डिपार्टमेंट वालों से बात करवाऊँगा भाई तुम खुद का सोचोगे कि हाँ मतलब मैं खुद लग रहा है मैं 1 साल कहाँ पर आ गया भाई कैसी यूनिवर्सिटी में हूँ मैं पता ही नहीं चलता क्या है क्या नहीं है यूनिवर्सिटी तो लगती नहीं है फैकल्टी है कुछ एमबीए लायक नहीं कुछ भी नहीं है भाई और फीस कितनी है आपकी फीस भाई 80,000 रुपये 80,000 पर ईयर पर ईयर है 60 है भाई अच्छा तो मतलब है कुछ बेनिफिट है प्लेसमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है इससे अच्छा बाहर से मतलब बाहर से करो सबसे अच्छा एमएटी वगैरह और स्पोर्ट्स कुछ भी है ही नहीं स्पोर्ट्स के नाम पे भाई अटेंडेंस जितने बंदों ने मेरे से लास्ट में पूछा ना हॉस्टल है कॉलेज में नहीं है कैंपस में अलाउड है कुछ कैंपस में अलाउड नहीं है भाई कुछ नहीं है एंड वन थिंग इसमें इतना इनका गंदा है ना सीन क्या है कि मतलब मिररी है जैसे रीअपियर है तो मैंने उसका फॉर्म वॉर्म भर दिया था अब इनको है ना एडमिट कार्ड शो ही नहीं हो रहे हमें मतलब पोर्टल पे नहीं दिखा रहे हैं कि इतनी तो गंदी वेबसाइट है वेबसाइट चलती नहीं है रिजल्ट के टाइम पर और ये बिल्डिंग जैसे देख रहा हूँ ना ये अलॉट हुई थी एज हॉस्टल
हॉस्टल तो है नहीं और इन्होंने उसका सीन कर दिया, इसको एकेडमिक वाला वो बना दिया डिपार्टमेंट। ठीक है मैम, मैं कितना टाइम लगेगा मैम, एग्जैक्ट टाइम दे दो आप। दो घंटे दे दो, हमने पहले दो घंटे मांगे थे, हमें किसी ने टाइम नहीं दिया, सर यही खड़े हैं बहस करते रहे, आप टाइम दे दो, मैं चेक कर लेती हूं। मैम ये 15 मिनट हो गए हैं, पढ़ते पढ़ते भी अच्छी में है बेटा, डेढ़ साल हो गए पढ़ते पढ़ते भी अच्छी में। बोलो क्या कह रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम की सुनो, आई एम नॉट सपोज्ड टू गिव यू रेड कार्ड, द कॉलेज इज सपोज्ड टू गिव यू। 1 2 इफ देयर इज सम इशू वी कैन हेल्प यू आउट, बट यू हैव टू गिव मी टाइम। यू गाइस आर नॉट मैम, एक बात बताइए, मैं ये तो बंद करो इसको, टाइम कर दो ना, थोड़ा सा टाइम दे दो बेटा। मैम टाइम 15 मिनट लास्ट मांगा था ना, 1:10 पे 15 मिनट कंप्लीट हो जाएगा कर रहे हैं बेटा, कर रहे हैं वो टाइम, 1:10 पे ही कॉल करेंगे। अरे लिस्ट ही शो नहीं हो रही मैम, सैम की मैम आधे बच्चों की आ गई। Few moments later, given an opportunity to give, tell you and confirm in the next, मेरे को तो जब डेटा मिला मैंने तभी कराया ना, एडमिट कार्ड आपका जिस दिन एग्जाम है उसे थोड़े दिन पहले ही निकल जाता है ना, डेढ़ महीने पहले तो नहीं निकल जाता। मैम आप चलो ठीक है मैम, ये आपका फॉल्ट नहीं है, यूनिवर्सिटी का फॉल्ट है ना। मैंने ऐसा नहीं कहा। तो फिर मैम ये फॉल्ट किसका है? Your words in my mouth। मैम ये फॉल्ट किसका है फिर ये बताओ ना। किसी का भी फॉल्ट नहीं है, तो मैम फॉल्ट आप मुझे चेक करने दीजिए। पहली चीज ये, we are not supposed to deal with the students. I am not supposed to. मैम हम अपनी प्रॉब्लम्स कहाँ लेके जाएं? एज अ स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट आप यहाँ पर आए हो, आप मुझे टाइम दे दो, मैं चेक करके बता दूंगी। आपको मेरे को टाइम देना पड़ेगा प्लीज। बेटा लंच करा, लंच करा, टाइम ही ले रहा हूँ। मैं यही सजेस्ट करूंगी हम कहीं नहीं जा रहे हैं, आप लंच कराओ, लंच तक आपका सलूशन होगा। मैम एग्जैक्ट टाइम दे दो, अभी टाइम क्या हो रहा है? 1 बज रहा है मैम, आप बता दो। नो मैम यू कांट फोर्स मी। भाई अब तक ये टाइम दे रहा था, अब है ना ये टाइम भी नहीं दे रहा भाई, ये सीन है इस यूनिवर्सिटी का। मैं एडमिट कार्ड टाइम पे मिलेगा नहीं, ठीक है यहाँ खड़े रहो ऐसे बच्चों की तरह, ठीक है कोई कुछ कुछ भी नहीं है भाई, मतलब मैं क्या बताऊँ भाई, मतलब परेशान, मतलब जिस बंदे को जितना परेशान कर सकते हैं ना वो वाला सीन है। स्टूडेंट यहाँ पे मतलब खड़े हैं भाई, सुबह से किसी का कोई एडमिट कार्ड मिल नहीं रहा भाई, ये दे लो भाई, भाई मत लेना इस कैंपस में एडमिशन, ठीक है मतलब। और जो पूछ रहे थे हॉस्टल है, हॉस्टल नहीं है भाई, पार्किंग अलाउड नहीं करते इसमें, ठीक है। और तुम्हें क्या बताऊँ, और इससे ज़्यादा बुरा यार मैं अपनी यूनिवर्सिटी कैसे कर दूँ। फोन कैमरा कोई फ्रिक की बात नहीं करता भाई, बहुत गंदा सीन है यार, मतलब जिस तरीके से अभी इसने ना हाथ छपटा ना भाई, मेरे को इतना गंदा लगा कि भाई ऐसे फोर्स, मतलब तुम एक स्टूडेंट का एक यूनिवर्सिटी में ऐसे हाथ पकड़ सकते हो भाई, मतलब मतलब मेरे दिमाग में भाई शब्द नहीं आ रहा। मैं मेरी यूनिवर्सिटी बहुत नई है, अभी कुछ है सुधार चल रहे हैं, मैं पूरा क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, बट जो इनका बिहेवियर होता है विद स्टूडेंट्स काफ़ी ख़राब है, ठीक है। जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है, पहला थिंग मेरी जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ से हुई थी वो आप वीडियो में देख लोगे, सेकेंड थिंग जो मेरे साथ हुई है वो हुई थी एग्ज़ाम, मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था, हमारी क्लास की सीटिंग प्लान ही नहीं लगाए थे इन्होंने, हर क्लास के सीटिंग प्लान लग चुके थे, हमारी क्लास के सीटिंग प्लान ही नहीं लग गए थे। तब हमने जाके उनके इंचार्ज, जो एग्जामिनेशन इंचार्ज होते हैं उनसे बात करी, तो वो ऐसा बोल रहे थे लगाएंगे, अभी बता रहे हैं। तब मैंने उनसे 2-3 बार और पूछा कि हाँ भाई सर बता दो, हम 2:15 या 2:20 हो चुके थे, हम ये पूछ रहे हैं कि सर बता दो, 2 बजे हमारा एग्जाम स्टार्ट होना था, 2:15 तक हमारा सीटिंग प्लान ही नहीं लगा। तो दे शाउटेड ऑन मी कि बोलता है कि भाई तू क्या बन रहा है, ये क्या कर रहा है, ज़्यादा हीरो मत बन, ये सब ठीक है। तो भाई मतलब नहीं था भाई, उस टाइम मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि भाई मेरा एग्ज़ाम है, क्योंकि उनके हाथ में तो पावर है एग्ज़ाम से हटा देंगे। बट थिंग इज़ कि अगर हमारे कोई डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, अगर हमको बोल रहे हैं, तो हमारी वॉइस हमेशा से पता है भाई स्टूडेंट की वॉइस नहीं निकलती ऊपर, तो ये वीडियो उससे रिलेटेड थी। सेकेंड फिर उसके बाद क्या हुआ कि भाई मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, बार बार मेरे पे जो फोकस होता है भाई टीचर का, भाई तेरे जैसे बहुत देखे हैं, ज़्यादा हीरो मत बनाकर, अगर भाई हम अपना कुछ आवाज़ बता रहे हैं कि हाँ भाई ये फॉल्ट है आपका, इसको ठीक करो भाई, हमारा सीटिंग प्लान क्यों नहीं लगाया, हमारा 2:30 बजे पेपर स्टार्ट हुआ, चाहे हमें एक्स्ट्रा टाइम दिया हो, हाँ हमें एक्स्ट्रा टाइम दिया था, 5:30 बजे हमारा एग्ज़ाम हुआ था ओवर, बट फ़ायदा क्या भाई, हमारे डिपार्टमेंट का भी एक टाइम होना चाहिए ना भाई, 2 to 5 तक हो, और क्वेश्चंस
आउट ऑफ सिलेबस आते हैं सारे, जो हमें पढ़ाया ही नहीं है, जो सिलेबस हमें पता ही नहीं कि लास्ट तक हमें नहीं पता चलता कि सिलेबस क्या है, वो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये फॉल्ट है। तो शायद अगर यूनिवर्सिटी से कोई देख रहा है इस वीडियो को, तो मे बी मैम या सर आप इस पर वर्क करिए, स्टूडेंट्स का सिलेबस कम्प्लीट कराइए ऑन टाइम। थैंक यू।